महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना 2023 एक शासन की तरफ से जाहिर की गई है और हमारे उल्लासनगर सिटी के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हमारा जो सिटी है यहाँ पे कैसे प्रॉब्लम है इलीगल कंस्ट्रक्शन के, फिर जो और भी जो धोखादायक इमारत है वगैरह, हम सभी को पता है। और ये इस योजना का सबसे ज़्यादा लाभ शायद उल्लासनगर में हो सकता है। इसको ख्याल में रखते हुए ये आज का ये यहाँ पे एक चर्चा सत्र आयोजित किया गया था और इसमें हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जॉइंट जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो है वो खुद आए हैं, जामले साहब, उनकी टीम भी यहाँ पर आई है, यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक भी आई है और बहुत सारे यहाँ पे तो कुछ कन्फ्यूजन्स भी लोगों में था और इसको दूर करने की सर ने पूरी कोशिश की है और बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे क्लियर हुए हैं। एक सार ये था चर्चा सत्र का कि ये जो प्रोसीजर है सिंप्लीफाई होना चाहिए, जैसे ज़्यादातर लोगों ने कहा है। और लोगों के मन में ये भी शंका थी कि शायद पूरे डॉक्यूमेंट हमको देना पड़ेगी क्या, तो उसके बारे में भी उसके बताया गया है कि जो आपका एग्जीक्यूशन जो प्रूव होता है वो प्रूव करने के लिए जो मिनिमम डॉक्यूमेंट है उसकी ज़रूरत है, सभी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा SOP के बारे में, इसका जो प्रोसीजर होना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। और कॉरपोरेशन की तरफ से ये जो SOP जो सरकार की तरफ से आई है, हम उल्लासनगर कॉरपोरेशन आज ही अपने सिटी में जो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप है, जैसे मीडिया के ग्रुप है, फिर पॉलिटिशियंस के ग्रुप है, एक्स नगर सेवकों के ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप है, ये सभी ग्रुप पर जो है ये SOP आज ही डालेगी। एक मांग डिपार्टमेंट का ये भी किया गया है कि अपने उल्लासनगर में उसका अगर 2-3 ऑफिसर यहाँ पे बिठाए जाते हैं तो उल्लासनगर के लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। उसके बारे में भी जामले साहब ने काफ़ी पॉजिटिवली उस पर निर्णय लिया है, उनको उनके जो डिपार्टमेंट्स है, उनके जो हायर ऑफिसर्स हैं उनसे बात करके उस दिशा में भी वो डेफिनेटली वैसा कदम उठाएंगे, ऐसा हम अपेक्षा रख रहे हैं। इन ऑल आज बहुत देर तक काफ़ी डिस्कशन हुआ, जो कुछ मन में शंकाएं कुशंकाएं थी उसका यहाँ पे निराकरण करने की कोशिश की गई है। और मैं समझता हूँ कि ये जो अभय योजना है इसका हमारे सिटी ने ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना ज़रूरी है, क्योंकि शायद पूरे महाराष्ट्र में हमारी जो परिस्थिति है अलग और सिटी से अलग है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हम इसका लाभ लें और ये जो स्टैम्प ड्यूटी की जो अभय योजना है उसको हम रिस्पॉन्ड करें, उसको प्रतिसाद दें, ताकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है आगे जब हम रिडेवलपमेंट की बातें होगी, क्लस्टर की बातें होगी, परमिशंस की बातें होगी, उस वक्त ये डॉक्यूमेंट बहुत काम को आएगी। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाना है उस वक्त ये सभी काम को आएगा, तो इसलिए मैं सभी से आह्वान करता हूँ कि कृपया आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, इस डिपार्टमेंट को कोऑपरेट करें। और मैं डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आज उन्होंने उल्लासनगर वासियों की भावनाओं को समझा है, देखा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोसीजर सिंप्लीफाई करके इसको एक्सपेडाइट करें। ये जो अभय योजना 2023 जो महाराष्ट्र शासन ने लाई है वो बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि यही योजना में मुद्रांक शुल्क और दंड दोनों का माफी दिया हुआ है। ये योजना के चार टप्पे हैं और उनका कालावधि जो है आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन का जो कालावधि है वो 1/1/1980 से लेके 2020 तक के जो डॉक्यूमेंट्स आपके इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्टैम्प ड्यूटी आपने अभी तक भरा नहीं है, तो उसको हम लोग के अभय योजना 2023 में आपको सबमिट करने हैं। और सबमिट करने के बाद हम लोग आपको नोटिस देंगे, वो नोटिस के बाद आपको 7 दिन में विदिन 7 डेज आपको स्टैम्प ड्यूटी और मुद्रांक शुल्क भरना है और हमारे पास लाना है, उसके बाद हम लोग आपको वो डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड करके दे देंगे। SOP इसके बारे में जो दी है वो 12/12/2023 को महाराष्ट्र शासन ने जो सर्कुलर निकाला है उसमें सब दिया हुआ है, उसमें स्कीम के जो अटी शर्ती है, कंडीशंस है, वो भी
और वो स्कीम कैसी चलेगी वो कार्यपद्धति भी लिखी हुई है। तुम्हाला म्हणजे डॉक्युमेंटेशन त्यावेळी झालेलं आहे हे प्रूव्ह करण्यासाठी कोणते कोणते कागदपत्र सादर करायचे? जे निष्पादन तुमचं जे इन्स्ट्रुमेंट निष्पादित झालेलं आहे तो निष्पादन दिनांक तुम्हाला प्रूव्ह करण्यासाठी जर समजा तुमच्याकडे चेकबुकने पेमेंट केलं असेल तर बँकेचं स्टेटमेंट किंवा बँकेचं बँकेकडून काही येऊन आणलं की ही जी त्यात ते एक स्टेटमेंट लागेल किंवा मग अजून काही आहे तुमच्याकडे ते फक्त जे इन्स्ट्रुमेंटवर निष्पादन प्रूव्ह होईल असा एखादा प्रूफ द्यायला तुम्हाला आवश्यक आहे। 100% कॅशवरती व्यवहार झालेला असेल तर तुमच्याकडे एखादं लागू होईल ना? लागू होणार असं नाही। तुम्हाला त्याच्यासाठी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरे काय तुमचं असेल त्यावेळेचं तर तुमचं निष्पादन फक्त प्रूव्ह झालं पाहिजे त्या दिवशी, कारण की तुम्हाला त्यावेळेचं मूल्यांकन लागणार आहे आणि त्यावेळेचं स्टॅम्प ड्युटी तुम्हाला त्याच्यावर अप्लिकेबल होईल। सर, ठाण्याला न जाता उल्हासनगरमध्येच हे योजना सुरू झाली पाहिजे, यासाठी कशा प्रकारचे प्रयत्न राहतील? यस, प्रयत्न राहतील माझे, पूर्ण प्रयत्न आमचे राहतील त्यासाठी आणि एक विंडो सुरू करू आम्ही त्याचा। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।